ने सेल ऑर्गेनेल्स कंप्लीट किए थे जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स बॉडी में बताया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल, दैट इज द न्यूक्लियस। ये देखो, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, दिस इज न्यूक्लियस, उसको ही जाता है। रॉबर्ट ब्राउन, नेम ऑफ साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड एंड नो डाउट इट इज आल्सो द डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है और इसके ऊपर भी दो कवरिंग्स रहते हैं, यानी दो मेम्ब्रेन्स रहते हैं। दैट वन इज कॉल्ड एज आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये देखो, इसके ऊपर ऐसे दो मेम्ब्रेन्स दिखाई देंगे आपको, दैट वन इज कॉल्ड एज आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड अनदर वन एज इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसे दो टाइप के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स रहते हैं और दोनों के बीच में जो स्पेस रहता है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज सर वॉइस ब्रेक हो रही है, सर वॉइस पॉज हो गई। हेलो, स्पेस उसको पेरिन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। ये जो से बोला जाता है एंड नो डाउट राइबोसोम के बारे में आपको बता चुका हूं कि दिस राइबोसोम्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। वो प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर वो इंपॉर्टेंट रोल करवा देते हैं। अब ये दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है, दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स दे आर स्पेशली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यूक्लियस, या कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस। पूरे न्यूक्लियस के ऊपर ये देखो, ये जो कवरिंग दिखाई दे रही है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट वन इज कॉल्ड एज आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बट अराउंड द न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स रहते हैं, दे आर नॉट द कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस नहीं रहते हैं। अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अ स्मॉल गैप, अ स्मॉल पोर इज प्रेजेंट देयर। देखो, यहाँ पर एक पोर है, यहाँ पर एक पोर है, यहाँ पर पोर है, यहाँ पर पोर, और ये पोर्स को क्या बोला जाता है, दिस पोर्स आर नथिंग बट द न्यूक्लियर पोर्स। ये पोर को न्यूक्लियर पोर्स से बोला जाता है। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दिस न्यूक्लियर पोर्स, दिस न्यूक्लियर पोर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर द मटेरियल फ्रॉम दिस न्यूक्लियोप्लाज्म टू बाहर का जो मटेरियल रहता है, दैट इज कॉल्ड अस साइटोप्लाज्म। कोई भी मटेरियल को अगर न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो अंदर ग्रीन मटेरियल दिखाई दे रहा है, दैट इज ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोप्लाज्म का मटेरियल है, और उसमें से न्यूक्लियोप्लाज्म में से साइटोप्लाज्म में अगर कोई मटेरियल को ट्रांसफर करना है, तो या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कोई मटेरियल ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे पोर्स रहते हैं। एंड दीज पोर्स, ये जो पोर्स है ना, दीज पोर्स आर नथिंग बट द न्यूक्लियर पोर्स। ऐसे पोर्स को न्यूक्लियर पोर्स से बोला जाता है, ठीक है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रोटेक्शन करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर न्यूक्लियर पोर्स रहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स एक्सचेंज के लिए रहते हैं, वाइस वर्सा, फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म एंड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके लिए एक्सचेंज के लिए रहते हैं। एंड इनसाइड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर ऐसे ये जो फ्लूइड मटेरियल रहता है, दिस फ्लूइड मटेरियल इज कॉल्ड एज, ये फ्लूइड मटेरियल को बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म ऐसे बोला जाता है। अब व्हाट इज दिस न्यूक्लियोप्लाज्म, दैट इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या रहता है, दैट साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म टुगेदर इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को दोनों को कलेक्टिव मिला के क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म ऐसे बोला जाता है। अब आउटसाइड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड मटेरियल रहता है, दैट इज नथिंग बट साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर
ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल रहता है दैट इज नथिंग बट द न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड दैट न्यूक्लियोप्लाज्म इज फ्लूइड इन नेचर, ये फ्लूइड रहता है। और ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर वाटर तो रहता ही है, बट अलॉन्ग विथ वाटर सम ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल उनसे वो बना हुआ रहता है। अब उनमें जो कौन से केमिकल्स रहते हैं, तो देर आर फ्री न्यूक्लियोटाइड्स आर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए को बनाने वाले और आरएनए को बनाने वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं, वो न्यूक्लियोटाइड्स फ्रीली किसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। डीएनए को बनाने वाले चार टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं, एडेनाइन डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड, ग्वानाइन डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड एंड थायमिन डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड। ऐसे चार टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं। वैसे ही आरएनए को बनाने वाले एडेनाइन राइबोस न्यूक्लियोटाइड, ग्वानाइन राइबोस न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन राइबोस न्यूक्लियोटाइड एंड यूरासिल राइबोस न्यूक्लियोटाइड, ये चार टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं। तो ऐसे चार टाइप के न्यूक्लियोटाइड डीएनए के रहते हैं, चार टाइप के न्यूक्लियोटाइड आरएनए के रहते हैं, ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, सॉरी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अलोंग दिस न्यूक्लियोटाइड्स कुछ एटीपी मॉलिक्यूल्स रहते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको हम बोलते हैं, वो भी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर रहते हैं फॉर द मेटाबॉलिज्म। और अलोंग दिस न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड रहते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये जो इरेगुलर थ्रेड लाइक जो बॉडीज दिखाई दे रहे हैं, ऐसे विदाउट एनी डेफिनेट पोजिशन या विदाउट एनी डेफिनेट अरेंजमेंट, ये जो बॉडीज दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज क्रोमैटिन मटेरियल्स। दीज क्रोमैटिन्स आर नथिंग बट द क्रोमोजोम्स, उसको ही हम क्रोमोजोम्स बोलते हैं। जब हम सेल डिवाइड होती है, वो प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज, टेलोफेज ऐसे स्टेजेस में जब वो चली जाती है, तो वहां पर क्रोमोजोम वेल डिस्टिंग्विश्ड रहते हैं, हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट साइज, अलग अलग साइज के और अलग अलग शेप की ये क्रोमैटिन मटेरियल्स रहते हैं या क्रोमोजोम्स रहते हैं। अगर यहाँ पर जो क्रोमोजोम्स दिखाई गए हैं या क्रोमैटिन मटेरियल दिखाई गया है, दिस वन इज, देखो ये जो डार्क दिखाई दे रहा है, ऐसे डार्क, कुछ डार्क लाइन है और कुछ फेंट लाइन है। देखो ये डार्क लाइन है, ये इधर एक डार्क लाइन है, इधर एक डार्क लाइन है, इधर एक डार्क लाइन है, यहाँ पर ऊपर वाली एक डार्क लाइन है। ऑल दीज आर कॉल्ड एज हेटेरोक्रोमैटिन, इनको हेटेरोक्रोमैटिन ऐसे बोला जाता है, हेटेरो फॉर डिफरेंट क्रोमैटिन मटेरियल्स। इनको हेटेरोक्रोमैटिन जो रहते हैं वो जेनेटिकली इनएक्टिव क्रोमैटिन मटेरियल रहते हैं, एंड दे आर डार्कली स्टेन्ड, इनको जो स्टेनिंग किया जाता है, डार्कली स्टेन किया जाता है, और ये क्रोमैटिन के ऊपर जो जीन्स रहते हैं, दे आर डेंसली पैक्ड, एंड डेंसली पैक्ड जीन्स रहते हैं। ऐसे क्रोमैटिन मटेरियल को क्या बोला जाता है, हेटेरोक्रोमैटिन बोला जाता है। और बाकी वाले जो ऐसे थीन जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो रेड कलर के जो लाइनिंग दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज द यूक्रोमैटिन। देखो इधर किया गया है, ये जो यूक्रोमैटिन रहते हैं, दीज यूक्रोमैटिन दे आर लाइटली स्टेन्ड, इनके ऊपर जो जीन्स रहते हैं वो लूजली अरेंज्ड रहते हैं, एंड दे आर जेनेटिकली एक्टिव क्रोमैटिन मटेरियल, वो जेनेटिकली एक्टिव क्रोमैटिन मटेरियल रहता है। तो ऐसा इरेगुलरली स्कैटर्ड क्रोमैटिन मटेरियल इज प्रेजेंट अलोंग द न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही ऐसा क्रोमैटिन मटेरियल रहता है। वही क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस्ड होके किसको बनाता है, तो क्रोमोजोम्स को बनाता है। तो दैट क्रोमोजोम्स मेड अप ऑफ बाय द कंडेंसेशन ऑफ दिस क्रोमैटिन मटेरियल, ये क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होके कौन बनते हैं, तो क्रोमोसोम्स बनते हैं। ठीक है, अब यही न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, इधर एक ऐसे देखो ये दिस बॉडी, एक जो डार्क स्फेरिकल बॉडी जो दिखाई दे रही है, दिस बॉडी इज, दिस वन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस, ये बॉडी को न्यूक्लियोलस ऐसे बोला जाता है। डार्क present inside the nucleus that is called as nucleolus, और ये जो nucleolus रहता है, no doubt that is the part of nucleolar organizer, chromosome का ही part रहता है, condensation होके वो form हो जाता है, and that nucleolus is nothing but the site for the synthesis of
आर आर एन ए, एक आर एन ए को बनाने का काम करवा देता है। तीन टाइप के जो आर एन ए रहते हैं ना, वन इज कॉल्ड एस मैसेंजर आर एन ए, सेकेंड वन इज कॉल्ड एस ट्रांसफर आर एन ए, एंड थर्ड टाइप ऑफ आर एन ए इज कॉल्ड एज आर आर एन ए, जो राइबोसोमल आर एन ए रहता है। वो राइबोसोमल आर एन ए कहाँ पर बनता है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के अंदर बनाया जाता है। तो ऐसा वेल बाउंडेड न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस दैट इज कवर्ड बाय टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, दैट वन इज कॉल्ड एज आउटर एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज इनर। ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड रहते हैं। ऐसा जो न्यूक्लियस रहता है दैट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, ऐसे यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। बेसिकली हमने जो डिफरेंशिएशन बताया था कि दैट इज इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, जो मेन प्रो फॉर प्रिमिटिव एंड कैरी ऑन फॉर न्यूक्लियस, यू फॉर वेल डेवलप्ड एंड कैरी ऑन फॉर न्यूक्लियस। वो जो बेसिक डिफरेंस रहता है प्रोकैरियोटिक के अंदर, जो न्यूक्लियस रहता है दैट इज नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं रहता है। मगर यूकैरियोटिक के अंदर जो न्यूक्लियस रहता है दैट इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहता है। और ऐसी ये बाउंड्री जो रहती है दैट इज ऑफ मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो ऐसे ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये ऐसे टाइप का न्यूक्लियस रहता है। तो यू हैव टू कीप इन माइंड, देखो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर दो मेम्ब्रेन है, वन इज कॉल्ड एज आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अनदर वन इज कॉल्ड एज इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर पोर्स रहते हैं, उनको न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे राइबोसोम्स रहते हैं, सी दीज आर द राइबोसोम्स, ये ऐसे छोटे छोटे ग्रेनुलर बॉडीज रहते हैं। राइबोसोम्स का रोल मैंने बताया था, राइबोसोम्स आर साइट फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स रहते हैं। फिर मैंने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल रहता है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल रहता है, वो दो टाइप का रहता है, दैट वन इज कॉल्ड एज हेटरोक्रोमैटिन एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज यूक्रोमैटिन। हेटरोक्रोमैटिन को मैंने बताया कि दैट इज डार्कली स्टेन्ड, और जो यूक्रोमैटिन रहता है दैट इज लाइटली स्टेन्ड, ये लाइटली स्टेन्डर्ड रहता है। वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक डार्क स्पेरिकल बॉडी रहती है, और ये डार्क स्पेरिकल बॉडी को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस के बारे में मैंने बताया कि दैट इज साइट फॉर द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, आर आरएनए को बनाने के लिए ये न्यूक्लियोलस रहता। तो ऐसे ये न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, ऐसा जो न्यूक्लियस रहता है दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ऐसा न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, ये सेल ऑर्गेनेल हो गया। अब न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स रहते हैं, दीज आर द क्रोमोसोम्स, ये देखो ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम अलग अलग फॉर्म में रहते हैं। अभी क्रोमोसोम के पैटर्न बताऊंगा मैं आपको, कौन से टाइप के। Thread-like bodies which are present inside the nucleus and observed during the time of cell division, जब mitosis होते रहता है या meiosis होते रहता है, ये time में जब ये nucleus के अंदर एक thread-like जो bodies दिखाई देते हैं, these are called as chromosomes, उनको chromosomes ऐसे बोला जाता है। तो ये chromosomes चार type के chromosomes रहते हैं। पहले टाइप का जो क्रोमोसोम रहता है दैट इज कॉल्ड एज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मेटा का मीनिंग बिटवीन ऐसे हो जाता है। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या रहता है, देखो ये क्रोमोसोम के ऊपर ये जो थ्रेड दिखाई दे रहा है, ये जो येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन मटेरियल। ये इधर का एक क्रोमैटिन मटेरियल है और ये इधर का एक क्रोमैटिन मटेरियल है। क्रोमैटिन मटेरियल बोलो तो उसका ही कंडेंसेशन होके क्रोमोसोम्स फॉर्म हो जाते हैं। तो ये जो क्रोमैटिन मटेरियल्स हैं, ये क्रोमैटिन मटेरियल्स क्या करवाते हैं, they are joined to each others, एक दूसरे को join रहते हैं।
विथ द हेल्प ऑफ अ बॉडी, एक बॉडीज के हेल्प से वो कनेक्ट रहते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट रहते हैं. दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर. ये बॉडी को सेंट्रोमियर ऐसे बोला जाता है. तो सेंट्रोमियर का ये ऊपर वाला हिस्सा रहता है और ये सेंट्रोमियर का नीचे वाला हिस्सा रहता है, उसको टू क्रोमैटिड्स ऐसे बोला जाता है. दो क्रोमैटिड को ज्वाइन करने वाला कौन रहता है? व्हाट इज दिस बॉडी? दिस बॉडी इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर. तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर की पोजिशन कैसी है, ये बेसिस के ऊपर ये क्रोमोजोम के अलग अलग टाइप रहते हैं. That one is called as metacentric chromosome. अब एक टाइप के क्रोमोजोम को metacentric chromosome ऐसे बोला जाता है. What is the meaning for metacentric chromosome? Meta for between and centric for, ये देखो ये जो सेंट्रोमियर रहता है that is at the center of chromosome. Exactly, ऊपर जितना क्रोमेटिड रहता है नीचे उतना ही क्रोमेटिड रहता है और सेंटर में सेंट्रोमियर रहता है, इसीलिए ये टाइप के क्रोमोसोम को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. ये क्रोमोसोम को मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम ऐसे बोलते हैं. देन नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ क्रोमेटिन इज कॉल्ड एज सब मेटासेंट्रिक. सब मेटासेंट्रिक का मीनिंग है कि इन दिस क्रोमेटिन मटेरियल द क्रोमेटिड मटेरियल इज समवॉट नियर टू द सेंटर, या दैट इज ऐसे थोड़ा सेंटर से दूर रहता है. सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक बोले तो जैसे मेटासेंट्रिक के अंदर सेंट्रोमियर एग्जैक्टली सेंटर पे रहता है और सब मेटासेंट्रिक के अंदर क्रोमेटिड जो रहता है दैट इज समवॉट बिसाइड या अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से थोड़ा वो दूर रहता है, ऐसे क्रोमेटिड को या क्रोमोसोम को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सब मेटासेंट्रिक क्रोमेटिड और क्रोमोसोम. उसको सब मेटासेंट्रिक क्रोमेटिड या क्रोमोसोम ऐसे बोला जाता है. देन उसके बाद में नेक्स्ट जो टाइप आता है दैट इज कॉल्ड एज एक्रोसेंट्रिक. देखो उसको एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं. दिस इज एक्रोसेंट्रिक. एक्रोसेंट्रिक का मीनिंग क्या है? जहां पर क्रोमेट सेंट्रोमियर एट द नियर टू द एंड, नियर टू द एंड, पूरे एंड पे नहीं रहता है, नियर टू द एंड रहता है, ऐसे क्रोमेटिड को या ऐसे क्रोमोसोम को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्रोसेंट्रिक क्रोमेटिड. उसको एक्रोसेंट्रिक ऐसे बोला जाता है. और जहां पर टीलोसेंट्रिक वेयर द सेंट्रोमियर इज एग्जैक्टली एट द एंड, पूरे एंड पे सेंट्रोमियर रहता है, ये जो क्रोमेटिड मटेरियल रहते हैं या जो क्रोमोसोम्स रहते हैं उसके एंड पे ये सेंट्रोमियर रहता है. तो देखो सभी तो क्रोमोसोम्स हैं, मगर हर एक के अंदर सिर्फ सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है. यहाँ पर सेंट्रोमियर सेंटर पे है इसीलिए उसको मेटासेंट्रिक बोला गया है. यहाँ पर सेंटर समवॉट अवे फ्रॉम द सेंटर है इसीलिए मेटासेंट्रिक बोला गया है. यहाँ पर सेंट्रोमियर इन दिस क्रोमोसोम, दिस सेंट्रोमियर इज नियर टू द एंड, एंड के नजदीक है, एग्जैक्ट एंड पे नहीं है, नियर टू द एंड है, इसीलिए उसको एक्रोसेंट्रिक इज एग्जैक्टली एट द एंड, एंड पे प्रेजेंट रहता है, इसीलिए उसको क्या बोला गया है, टीलोसेंट्रिक ऐसे बोला गया है. तो दीज आर द फोर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स. ये क्रोमोसोम्स के चार अलग अलग फॉर्म है, ठीक है. तो ऐसे ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट रहते हैं, ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं. तो ये क्रोमोसोम्स ऐसे चार टाइप के अंदर डिवाइड किए जाते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलो सेंट्रिक. ऐसे चार टाइप में ये क्रोमोसोम्स डिवाइड किए जाते हैं. सेल्स एक सेंट्रियोल नाम का सेल ऑर्गेनेल रहता है और वो जो सेंट्रियोल रहता है दैट सेंट्रियोल इज फॉर द सेल डिवीजन. सेल डिवीजन के लिए सेंट्रियोल लगता है. तो सेल डिवीजन के दो टाइप आपको पता होंगे, दैट वन इज कॉल्ड एज माइटोसिस एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज मियोसिस. ऐसे दो टाइप का सेल डिवीजन रहता है. तो ये सेल का स्ट्रक्चर होने के बाद नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज
द टाइप ऑफ सेल डिवीजन, सेल के अंदर कौन से टाइप के डिविजन्स रहते हैं, सेल डिवीजन कैसे होते रहता है। सेल का स्ट्रक्चर तो आपने पढ़ लिया, अब सेल डिवीजन कैसे होता है, सेल डिवीजन किससे बोलते हैं। सेल डिवीजन का मीनिंग है दैट इज द डिवीजन ऑफ वन मदर सेल इनटू डॉटर सेल्स। एक मदर सेल का डिवीजन होके उससे जब डॉटर सेल्स बनते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन। एंड आई थिंक यू नो दैट, आपको पता है सेल डिवीजन दो टाइप का रहता है, वन इज कॉल्ड एज मेटोसिस एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज मियोसिस। एक टाइप के सेल डिवीजन को मेटोसिस बोलते हैं और दूसरे टाइप का जो सेल डिवीजन रहता है उसको मियोसिस से बोलते हैं। तो मेटोसिस एंड मियोसिस दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, ये दो टाइप के सेल डिवीजन रहते हैं। और मेटोसिस जो रहता है वो वेजिटेटिव सेल के अंदर होते रहता है और मियोसिस जो रहता है वो रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर होते रहता है। अब वेजिटेटिव सेल क्या है और रिप्रोडक्टिव सेल क्या है, तो वेजिटेटिव सेल बोले तो जो बॉडी के सेल्स रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट के अंदर रूट के सेल है, स्टेम के सेल है, लीफ के सेल है, ये सेल को वेजिटेटिव सेल्स बोलते हैं। और वही जो फ्लावर के सेल्स रहते हैं, फ्लावर के अंदर जो एंथर रहता है या ओहोरी के अंदर जो ओहोल्स रहते हैं वहां पर जो सेल्स रहते हैं, ऐसे सेल्स को रिप्रोडक्टिव सेल्स बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स काय के लिए रहते हैं, तो रिप्रोडक्टिव सेल्स आर फॉर गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन के लिए लगते हैं। और वेजिटेटिव जो सेल्स रहते हैं उनके अंदर जो माइटोसिस होते रहता है, दैट माइटोसिस इज ऑकर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर ग्रोथ करना है या डेवलपमेंट करना है उसके लिए माइटोसिस रिक्वायर्ड रहता है। तो सेल डिवीजन के अंदर एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड अ सेल साइकिल। अभी जो मैंने स्क्रीन पे दिखाया है ये सेल साइकिल का डायग्राम है, ठीक है। अब सेल साइकिल किसे बोला जाता है, तो दैट इज नथिंग बट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑकर ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ अ सेल। एक सेल का जो लाइफ रहता है, एक सेल का लाइफ कितना रहता है, वो सेल फॉर्म होने से डिवाइड होने तक उसका जो लाइफ रहता है उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ सेल साइकिल। उसको सेल साइकिल ऐसे बोला जाता है। और ये जो सेल साइकिल रहता है वो दो पार्ट बना हुआ है। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज इंटरफेज। सेल साइकिल का पहला जो फेज रहता है उसको इंटरफेज ऐसे बोला जाता है और दूसरा जो फेज रहता है दैट इज कॉल्ड एज यम फेज। एक को इंटरफेज बोलते हैं और दूसरे को यम फेज बोलते हैं। अब देखो अंदर यहाँ पर इंटरफेस ऐसे दिखाया है, इधर से दिस इज इंटरफेस, ये देखो ये जो दिखाया है दिस इंटरफेस इतना। अब तो इंटरफेस में कौन कौन स्टेजेस आते हैं, जी1 फेज, यस फेज एंड जी2 फेज। जी1 फेज, यस फेज एंड जी2 फेज, उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेस। वो फेज को इंटरफेस ऐसे बोला जाता है। और बाद में जो यम फेज आती है, सेकंड जो फेज आती है दैट इज यम फेज। यम फेज इज नथिंग बट द एक्चुअल फेज ऑफ डिवीजन ऑफ सेल। वो सेल का एक्चुअल डिवीजन का जो फेज रहता है वो फेज को सेल डिवीजन। तो इंटरफेस एंड यम फेज ऐसे दो फेजेस रहते हैं। एक्चुअली इंटरफेस क्या रहता है, व्हाट इज दिस इंटरफेस, ये जी1 यस जी2 ये तीनों को मिला के इंटरफेस ऐसे बोला गया है। और ये इंटरफेस क्या रहता है, तो दिस इंटरफेस इज नथिंग बट द एक्चुअली फेस बिटवीन टू यम फेस। दो यम फेस के बिटवीन जो फेस रहती है वो फेस को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेस। उसको इंटरफेस बोला जाता है। एक्चुअली दिस इंटरफेस इज द फेज, प्रिपेरेटरी फेज फॉर द डिवीजन ऑफ सेल। ये फेज के अंदर सेल खुद को क्या करवा देती है, प्रिपेयर करवा देती है, क्या होने के लिए, डिवाइड होने के लिए। तो ये जो प्रिपेरेशन रहता है उसको इंटरफेस से बोला जाता है। और इंटरफेस के अंदर सेल क्या प्रिपेयर करती है, तो स्पेशली द सेल गोइंग टू
प्रिपेयर या सिंथेसाइज सम इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। वो डीएनए को बनाती है, आरएनए को बनाती है और प्रोटीन को बनाती है। ऐसे फेज को इंटरफेज ऐसे बोला जाता है। तब इंटरफेज में सबसे पहला जो फेज आता है, सब फेज आता है, दैट इज कॉल्ड एज G1 फेज। ये फेज को G1 फेज ऐसे बोला जाता है। एंड ड्यूरिंग G1 फेज द सेल गोइंग टू प्रिपेयर द आरएनए एंड प्रोटीन्स। ये फेज के अंदर सेल आरएनए को प्रिपेयर करवाती है और प्रोटीन करवाती है, क्योंकि ये मटेरियल्स जो रिक्वायर्ड रहते हैं दे आर फॉर द डिवीजन ऑफ सेल। सेल का देखो जीवन फेज के बाद में जो नेक्स्ट फेज आ जाती है दैट फेज इज कॉल्ड एज यस फेज। वो फेज को यस फेज बोला जाता है। दिस इज द यस फेज। और यस फेज का मीनिंग क्या है, तो दैट इज नथिंग बट द सिंथेटिक फेज। ये फेज को सिंथेटिक फेज ऐसे बोला जाता है। और यस फेज बोले तो सिंथेटिक फेज, और सिंथेटिक फेज के अंदर सिंथेसिस होते रहता है। किसका सिंथेसिस होते रहता है, तो देर इज द सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। एक इंपॉर्टेंट बायो मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रोड्यूस होते रहता है, दैट इज कॉल्ड एज यस फेज और सिंथेटिक फेज। ये फेज को यस फेज या सिंथेटिक फेज ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो जीवन यस, और उसके बाद में जो नेक्स्ट फेज आती है दैट इज कॉल्ड एज G2 फेज। ये फेज को G2 फेज बोलते हैं। और G2 फेज के अंदर आवर सेल प्रिपेयर करती है, अगेन सेल गोइंग टू प्रिपेयर द आरएनए एंड प्रोटीन्स। फिर वो और आरएनए को भी प्रोड्यूस करवा देती है और प्रोटीन को भी प्रोड्यूस करवा देती है। तो ऐसे G1, ES और G2 ऐसे तीन फेजेस से मिला के कौन सी फेज बनती है, तो दैट इज नथिंग बट द इंटरफेस। ये इंटरफेस बोलते हैं। और इंटरफेस के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि दैट इज नथिंग बट द प्रिपरेटरी फेज। So this is the G1, S and G2। ऐसे ये तीन फेजेस आ जाते हैं। और ये तीन फेजेस के अंदर सेल क्या करवा देती है, खुद को प्रिपेयर करवा देती है। तो आफ्टर दिस G1, S, G2 इंटरफेज कंप्लीट होने के बाद देखो सेल कहाँ पर चली जाती है, दैट इज एंटर इनटू द यम फेज। अब यम फेज क्या रहता है, एक्चुअली यम फेज इज नथिंग बट द एक्चुअल फेज ऑफ सेल। सेल का डिवाइड होने का जो एक्चुअल फेज रहता है, ये फेज को यम फेज ऐसे बोला जाता है। और यह एम फेज के अंदर फर्दर डिवीजन हो जाता है, दैट फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड कैरियोकाइनेसिस। व्हाट इज द मीनिंग फॉर कैरियोकाइनेसिस, दिस इज नथिंग बट द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और साइटोकाइनेसिस किसे बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना उसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, और न्यूक्लियस का डिवीजन होना उसको कैरियोकाइनेसिस से बोला जाता है। कैरियोकाइनेसिस इज डिवाइडेड इनटू, इसके अंदर और चार फेजेस रहते हैं, that one is called as prophase, second one is called as metaphase, third one is called as anaphase, and last one is called as telophase. ऐसे चार स्टेप्स के अंदर prophase, metaphase, anaphase, telophase।
चार फेजेस के अंदर कौन रहता है, तो दैट इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। चार फेजेस के अंदर ये न्यूक्लियस डिवाइड होता है। तो एक्चुअली असल में सेल डिवीजन के अंदर ये चार फेजेस हमको पढ़ना है। प्रोफेज के अंदर क्या होता है, मेटाफेज के अंदर क्या होता है, एनाफेज के अंदर क्या होता है और टेलोफेज के अंदर क्या होता है। तो ये चारों को मिला के कैरियोकाइनेसिस से बोलते हैं। इन दैट कैरियोकाइनेसिस इज नथिंग बट द डिवीजन ऑफ अ सेल। वो सेल का डिवीजन, एक्चुअल न्यूक्लियस का डिवीजन वो कैरियोकाइनेसिस रहता है। और नेक्स्ट वाली जो फेज आती है दैट इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। अपने आप कैरियोकाइनेसिस होने के बाद में साइटोकाइनेसिस बहुत ही सिंपल रहता है। दैट इज नथिंग बट द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या करवा देती है, उसके साइटोप्लाज्म को डिवाइड सेल से फॉर्म हो जाते हैं डॉटर, एक मदर सेल से क्या फॉर्म हो जाते हैं, डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी ये पूरे जो इवेंट्स सेल के अंदर हो जाते हैं इंक्लूडिंग इंटरफेज एंड यम फेज, उसको क्या बोला जाता है, सेल साइकिल ऐसे बोला जाता है। तो ऐसी ये सेल साइकिल इंटरफेस और यम फेस के अंदर दोनों फेस के करवा दिया जाता है, कंप्लीट किया जाता है। तब अभी इंटरफेस तो सभी सेल में होता है, सेल कोई भी रहने दो, रिप्रोडक्ट विजिटेटिव सेल रहने दो या रिप्रोडक्टिव सेल रहने दो, उसके अंदर इंटरफेस रहता ही है। मगर ये जो डिविजन सेल डिविजन का जो पार्ट है दैट इज ऑफ यम फेस। यम का मीनिंग क्या है, यम इज आइदर माइटोसिस और एम इज मियोसिस। यम माइटोसिस भी रहता है और यम मियोसिस भी रहता है। यम माइटोसिस बोले तो विजिटेटिव सेल का डिवीजन रहता है और यम मियोसिस बोले तो रिप्रोडक्टिव सेल का डिवीजन रहता है। तो मैं पहले आपको यम फॉर माइटोसिस विजिटेटिव सेल के अंदर डिवीजन कैसे होता है उसके बारे में बताऊंगा। विजिटेटिव बोले तो कोई भी बॉडी के अंदर, पूरे बॉडी के अंदर जो सेल्स रहते हैं उसको विजिटेटिव बोलते हैं, एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स बोले तो सिर्फ गैमेट फॉर्म होने वाले सेल्स या स्पोर्स फॉर्म होने वाले जो सेल्स रहते हैं प्लांट के अंदर, उनको ही रिप्रोडक्टिव सेल्स बोला जाता है। उनको छोड़ के बाकी के सभी जो सेल्स प्लांट के अंदर, उनको क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव सेल्स बोला जाता है। तो यू हैव टू कीप इन माइंड, लेस देन 1 मिनट वी हैव, प्लीज रीजॉइन अगेन, प्लीज रीजॉइन ऑल, लेस देन 1 मिनट वी हैव, प्लीज रीजॉइन अगेन। वेजिटेटिव सेल के अंदर जो डिवीजन होते रहता है वो माइटोसिस टाइप के होता है और रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर जो डिवीजन होते रहता है वो मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन रहता है। इसीलिए सेल डिवीजन दो टाइप का रहता है, वन इज कॉल्ड एज माइटोसिस एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज मियोसिस। मगर माइटोसिस कहाँ, जहां पर भी होता है, आइदर प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी के अंदर जहां पर भी माइटोसिस होता